वेलकम टू मैथ क्लास जनरल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या, डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 5 है और ब्रैकेट में 3 माइनस 6 एक्स की पावर नेगेटिव 9 है। ठीक है, प्रोडक्ट हो रहे हैं दोनों, तो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको लेट कर देते हैं। ये किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की इक्वल हम कर देते हैं इसको। क्या एक्स की पावर 5 और है हमारे पास 3 माइनस 6 एक्स की पावर नेगेटिव 9। फिर क्या कर लेंगे हम, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो बाय टेकिंग डेरिवेटिव बाय डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, मैं डिफ लिख रही हूँ, जस्ट डिफरेंशिएटिंग आप सारा लिख लो। ऑन बोथ साइड्स पे डिफरेंशिएट करने से हमारे पास क्या आएगा, इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पर हमारे पास कैसे आएगा, एंड यूजिंग प्रोडक्ट रूल। राइट कर लो यहाँ पर, एंड यूजिंग लेबनिस प्रोडक्ट रूल बहुत ईजी है। कैसे होता है ये, फर्स्ट वैसे ही आ जाता है इस तरह से, और फिर डेरिवेटिव इसका। ठीक है, बस समझने की ज़रूरत है, बाकी तो ईजी है। ठीक है, ये एज इट आ गया इसका डेरिवेटिव, देन सेंटर में प्लस का साइन आता है, फिर ये एज इट आ जाना और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट वाले का। अगेन बताती हूँ, फिर हम आगे जाते हैं। चलिए अगेन देख लें, ये एज इट इसका डेरिवेटिव सेंटर में प्लस का साइन, ये एज इट और उसका डेरिवेटिव सिंपल। ये जो ये है ना, ये एक दफ़ा वैसे आ जाना और लास्ट पर उसका डेरिवेटिव, और ये एक दफ़ा पहले डेरिवेटिव और एक दफ़ा वैसे। ठीक है ना, दोनों का एक दफ़ा डेरिवेटिव के साथ लिखना, एक दफ़ा वैसे ही लिखते ना, बस अरेंजमेंट इस तरह से कर लो। उसके बाद क्या आ जाना है, ये इसका तो डेरिवेटिव लेना नहीं, तो ये तो एज इट आ जाना है। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे आ जाना है, इसका डेरिवेटिव 3 का, तो हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो राइट कर लेते हैं 0। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे आ जाना है, 6 तो वैसे ही आ जाना ना पहले। ठीक है, और इस पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है डी बाई डी एक्स। चलो मैं भी करती हूँ, नेक्स्ट में कर लेती हूँ इधर, या आपको मैं रफ पे करके दिखा दूँ। चलो या फिर ऐसे कंटिन्यू करते हैं कि इसका डेरिवेटिव 0 ले लिया मैंने, माइनस 6 इसका वैसे ही राइट किया, या चले मैं आपको ना करके दिखाई देती हूँ कि कैसे आना है। ठीक है, क्योंकि हम इसका ले लें तो उसका भी साथ ही ले लेते हैं। चलो यहाँ पे करके दिखाते हैं, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव देखें, इस पर भी अप्लाई होना है, माइनस का साइन आ गया, और इस पर भी अप्लाई होना है, नेगेटिव नहीं है, जस्ट 6 ही। डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा हमारे पास, 6 को पहले उतार लेना आपने, ठीक है ना, और फिर डेरिवेटिव किसका लेना है, इसका, जस्ट x की पावर नेगेटिव 9 का। सही है, अब लिखते हैं, जब पावर रूल लगेगा यहाँ पे, पावर नीचे उतार लेंगे, फिर पावर में से हम 1 माइनस कर देंगे, तो पावर नेगेटिव 1 है, 1 माइनस कर देंगे, और फिर उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर है, तो किसकी पावर है, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर कैसे हो जाना है, 9 × 6, तो आप जस्ट अभी पहले ये राइट करो कि इसको सारा डेरिवेटिव लेके हमारे पास क्या आया, ये आया। ठीक है ना, 6 × हम ये वाला स्टेप को क्रॉस कर दें, अगर इस स्टेप के बाद इधर देख लो तो आपके पास जो है क्या आ गया, x की पावर 5, तो एज इट आ गया ना। इसका डेरिवेटिव जो लेके आया क्या आया, ब्रैकेट में राइट कर लो 0 माइनस 6 × मैंने बस समझाना था आपको नेगेटिव 9 के, ये सारा आपने राइट कैसे करना, ठीक है, और 1 ब्रैकेट में राइट करना तो कर लो, अदरवाइज रहने दो, 24 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने सारा समझा दिया आपको, इसलिए फिर यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, नीट में भी कर सकते हो सारा। अच्छा जी, खैर हमने सॉल्व कर लिया इसको, यहाँ पर ये आ जाएगा क्या है, 3 − 6 एक्स की पावर नेगेटिव 9, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव लेना नहीं, इसका लेना है। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, एक्स की पावर 5 है, पावर रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, अगेन 1 इसके साथ करना है मल्टीप्लाई तो कर लो, अदरवाइज यही आना आपको पता, एक्स की पावर 5 यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, ये हमारे पास कैसे हो रहा था,
ये क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर भी कर दो एक, ठीक है ना। ये वाली जो ओपन थी वो यहाँ पे क्लोज हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। ज़ीरो में से हमने ये माइनस करना है, तो ज़ीरो को नहीं राइट करते बिकॉज यही आ जाना सारा, तो क्या आना है इनको मल्टीप्लाई करके 69 times 54 होता है। माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स की पावर क्या आ गई, सॉल्व हो जानी है। -9 -1 -10 आ जाना, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ठीक है जी। ये आ गया, उसके बाद क्या आ जाना हमारे पास, मल्टी पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 5x की पावर 5 माइनस वन है तो 4 आ जाना है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाना है इधर 54। एक्स की पावर क्या आ जाना है, 10 में से 5। जब वेरिएबल सेम होता है पावर सॉल्व हो जाती हैं, हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं पावर ऐड हो जाती है। 10 में से 5 का माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, -5, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, इससे भी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 5 into 3 = 15 x की पावर 4। और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5 into 6 = 30 x की पावर क्या आ जाएगा, -9। और 4 ऐड हो के 9 में से 4 माइनस कर देंगे, 5 - 5। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पावर्स ऐड हो जाती है सिंपल, तो -9 + 4 इस तरह से करना है, तो -5 इस तरह से है आपके पास, सही है ना। जैसे इधर पावर्स कैसे ऐड हुई, 5 और -10, 5 + -10 तो 5 + -10, 5 में से 10 -5, ठीक है इस तरह से है। अब आगे हम सॉल्व कर लेंगे इसको इस तरह से, +15 x की पावर 4 है और -30 x की पावर -5 है। फिर क्या करेंगे, सेम पावर्स हैं तो हम सॉल्व इनको कर लेते हैं। 54 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, 50 और देन 24, 24 x की पावर -5, ठीक है। ये दोनों सॉल्व हो गए और ये एजेट आ जाना, ये तो सॉल्व होना नहीं आपको पता है, x की पावर 4 है। फिर इसको अरेंज करके लिख लो, 15 x की पावर 4 को पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो 24 x की पावर -5 को। और अब इसको जो है, ये पॉजिटिव पावर है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे और ये आंसर आ गया। अगेन देख लो हमने क्या किया था, सबसे पहले इसको लेट कर लो f(x) के, देन डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। इधर f'(x) और इधर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, या जेट इसका डेरिवेटिव, फिर ये ऐसी और उसका डेरिवेटिव, ठीक है। ये आ गया इसका डेरिवेटिव, मैंने एक्सप्लेन किया इधर साइड पे, वो ये आ गया, ये जेट आ गया इसका डेरिवेटिव, ये आ गया। देन इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया और पावर्स को ऐड कर दिया, ये एजेट आ गया, पावर्स को सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई से ये, इससे इससे ये, फिर ये आ गया पावर्स एक जैसी थी, इनको सॉल्व कर लिया, ये एजेट आ गया, ये पहले राइट कर लिए, बाद में इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए। नोट कर सकते हो, पहले यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लो, फिर नीचे आ जाओ। होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।